हेलो फ्रेंड्स, मैं इंडियन नमस्कार कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, मैंने आज बनाने की मैं जा किस आज फॉर्म आपके में लिए भारतीय संविधान के 20 अति ये महत्वपूर्ण आने क्वेश्चंस वाले लाया हूं, 2019 जो में आने सीएमओ वाले और किस दूसरे आने फॉर्म वाले में एग्जाम्स के एग्जाम्स लिए के लिए हैं, जिसका पार्ट वन मैं रिलीज कर इम्पोर्टेंट रहा हो हूँ। सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पहला, चीफ द सेक्रेटरी चीफ इन अ सेक्रेटरी स्टेट इन अ इज स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटेड बाय द गवर्नर गवर्नर ऑफ दैट ऑफ स्टेट। दैट स्टेट। सेकंड है, द सेकंड चीफ स्टेटमेंट सेक्रेटरी इज इन अ द स्टेट चीफ हैज अ फिक्स सेक्रेटरी इन टेन्योर। अ स्टेट हैज अ दोनों में फिक्स से कौन सा टेन्योर। सही है अथवा नहीं, यह हमें बताना तो है। सही आंसर होगा तो सही नाइदर उत्तर वन है और टू। नाइदर वन नॉर टू। चीफ द सेक्रेटरी इज चीफ नॉट सेक्रेटरी अपॉइंटेड इन अ बाय द स्टेट गवर्नर ऑफ द इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, इज अपॉइंटेड बाय इज द अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। इसका सही आंसर है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एंड द चीफ सेक्रेटरी इन एंड अ स्टेट सेकेंड हैज द अ चीफ फिक्स टेन्योर। सेक्रेटरी डज हैज अ फिक्स ये भी टेन्योर। गलत है। चीफ सेक्रेटरी का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो चाहे तो कभी भी उसे बदल सकता है या किसी और अन्य को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। व्हेन अ बिल इज रिफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, The इट हैज टू Parliament बी पास्ड बाय, has to be passed ऑप्शन ए अ सिंपल by मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, option A a simple majority of members ऑप्शन present बी and voting, थ्री फोर्थ मेजोरिटी ऑफ द B मेंबर्स प्रेजेंट एंड three वोटिंग, fourth majority of members present and voting, C ऑप्शन सी two third टू majority थर्ड of the मेजोरिटी ऑफ द houses, हाउसेज, D ऑप्शन डी absolute majority of the एब्सोल्यूट houses। मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज। इसका सही तो आंसर करेक्ट है, आंसर होगा सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इट हैज टू प्रेजेंट बी पास एंड पर यह वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। हो गया, हो गया। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, द आइडल ऑफ आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट इन इन इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्टीड इन इट्स इन इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्शन स्टेट ए है पॉलिसी होगा इसका प्रीएम्बल, आंसर। ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी सेवेंथ शेड्यूल। द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ, क्वेश्चन फोर, हु और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग इन कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कस्टोडियन इंडिया। कौन होता है? इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पांचवा प्रश्न, विच लैंग्वेज वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ओडिया वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, छठवां क्वेश्चन, विच बिल्स शुड बी पास विद टू थर्ड मेजोरिटी बाई द लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली तो वन और टू इसका आंसर, वन और टू इसका आंसर है। रेजोल्यूशन टू एबॉलिश, पहला रेजोल्यूशन टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड सेकंड सेकंड टू क्रिएट रेजोल्यूशन टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल एबॉलिश एंड क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन शॉर्ट। हो गया। सातवां प्रश्न है, द आर्टिकल 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम द पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। Which of the following powers is not given to the governor? Which of the following powers is not given to the governor? गवर्नर को कौन से पावर नहीं दिए जाते? ऑप्शन ए, तो गवर्नर को जो पावर नहीं दिए जाते हैं वो है टू से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन ऑन एन एडवाइस। ऑन एन एडवाइस, ठीक है। बी टू डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी टू रिफर अ बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सी टू ऑब्जेक्ट ऑन एनी बिल व्हिच इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टू से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द रिकंसिडरेशन ऑन एन एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, व्हाट इज आर्टिकल 300A?
व्हाट इज आर्टिकल 300A? क्या होता है आर्टिकल 300A के अनुसार? आर्टिकल 300A क्या होता है? टू हिज नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड टू हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. इसका मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया हुआ है. सेट अप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता. 10th करेक्ट आंसर. वेयर वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट अप इन व्हेन वर सॉरी व्हेन वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट अप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता. गवर्नमेंट एक्ट वाज पास इट वाज सेट अप इन 1924 कंटोनमेंट्स एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर? इट वाज पास्ड इन 1924. लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट अंडर स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल. व्हिच शेड्यूल? द पावर टू इंक्रीज द जजेस ऑफ द पावर टू इंक्रीज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द पार्लियामेंट. मतलब कि आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की संख्या बढ़ानी हो तो किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में. पार्लियामेंट ही जजों की संख्या को सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा सकती है. 14th क्वेश्चन है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर व्हिच ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? सो करेक्ट आंसर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. 15th है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया. First option one. पहला statement it has it has been not mentioned in Constitution of India. Not second, been mentioned in Constitution of India. It can be introduced in Lok Sabha only. Second, it can be introduced in Lok Sabha only. So सही answer होगा C. इसका option होगा इसका option both होगा है ना भाई. No confidence question के बारे में Constitution में कोई उल्लेख नहीं है. And दूसरा ये सिर्फ Lok Sabha में ही किया जा सकता है लाया जा सकता है. 16th question. Question. The president shall make rules for the convenient transaction of business of the government of India and for allocation among ministers of the said business. ये statement है इसको आप already याद कर लीजिए. Among ministers of the 17th है. Said business. ये statement. A constitutional government is one which places effective restrictions on the authority of the state in the interest of the individual. लिबर्टी ये भी एक स्टेटमेंट है. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन व्हिच. 18वां प्रश्न इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीएट ऑफ इंडिविजुअल? फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीएट आर नेक्स्ट 1 एंड 2. 18 प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स सेक्रेटरीएट सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज. फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स. सेकंड सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज. थर्ड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्टर्स. तो करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2 ऑनली. 19वां प्रश्न. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? प्लानिंग इन इंडिया से कौन कौन एसोसिएटेड है भाई? ये प्लानिंग इन इंडिया के साथ एसोसिएटेड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड पार्लियामेंट. काउंसिल एंड पार्लियामेंट. 20वां आखिरी प्रश्न. क्वेश्चन 20. Promotion of peace and security in the Constitution of India. India is included in. Is included in. The सही आंसर होगा Directive Response of State Policy. दोस्तों मैं इसी तरह आपके लिए नए नए प्रश्न लाते जाऊंगा और पार्ट के लिए कोशिश करूंगा कि भारतीय संविधान के अलावा इकोनॉमिक्स और दूसरे जरूरी टॉपिक्स पे भी लाऊं जो सीएम एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है. और इसके अलावा और अन्य आने वाले पीएससी और व्यापम एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो. धन्यवाद दोस्तों. आपको आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा तो उसे शेयर कीजिए लाइक कीजिएगा ठीक है और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.
10th and the last one. Maximum imports are from China, first of all. Second, Switzerland. Third, Saudi Arabia. दोस्तों इसके बाद भी मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स के आगे के पार्ट्स लाते जाऊंगा और मोर ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज लाऊंगा आप लोगों के लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हाँ, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। Thank you.